वेलकम यू ऑल इन आर एस बी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 11 फरवरी 2020 और 11 फरवरी 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन खोला है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने राजमुद्री के अंदर देश का पहला महिला दिशा पुलिस स्टेशन खोला है। और फ्रेंड्स, इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन जो है वो आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन रेड्डी जी के द्वारा किया गया है। और फ्रेंड्स, साथ में इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दिशा महिला पुलिस स्टेशन का नाम जो है वो किसके ऊपर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा तेलंगाना में पिछले साल जिंदा जली दुष्कर्म पीड़िता दिशा के नाम पर जो है इस पुलिस स्टेशन का नाम रखा गया है। और फ्रेंड्स, साथ में आपको ये दो चीजें और याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एपी दिशा एक्ट 2019 को पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा है। और एक्चुअल में एपी दिशा एक्ट 2019 जो है वो दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को 21 दिन के अंदर मौत की सजा देने का हक देता है, जिसे कि आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर और एक कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है इसी तरह की जानकारी आप तक रेगुलर पहुंचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल आरएसबी लेटेस्ट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आरएसबी लेटेस्ट इन्फो पे आपको मल्टीपल नॉलेज वीडियो जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाती है। चाहे आप हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जॉब बात करें, चाहे आप ऑल इंडिया लेवल के गवर्नमेंट की जॉब की बात करें, तो ये जानकारी जो है अब तक सबसे पहले हम पहुंचाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हाल ही में बकार हसन का निधन हुआ, वो एक्चुअल में कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। बकार हसन जो थे वो क्रिकेटर थे पाकिस्तान टेस्ट टीम के, ठीक है फ्रेंड्स। और पहली बार भारतीय दौरे पर आई पाकिस्तान टीम के वो सदस्य थे और उनका जन्म जो है वो 12 सितंबर 1932 में अमृतसर के अंदर हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिरिराज किशोर का निधन हुआ, वो एक्चुअल में क्या थे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। गिरिराज किशोर जो थे वो साहित्यकार थे और देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान जो है वो उन्हें दिया गया था, और यह सम्मान जो है उन्हें गिरमिटिया उपन्यास के ऊपर दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप याद रखिएगा, जो कि गांधी जी के अफ्रीका प्रवास से लेकर लिखा गया था। और फ्रेंड्स, साथ में मैं ये बताना चाहूंगा, यह पुरस्कार जो है वो 2007 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल से रिलेटेड है। रणजी ट्रॉफी प्रथम श्रेणी में हिमाचल से जो है वो 300 से अधिक विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा ऋषि धवन जो है वो 300 से अधिक विकेट लेने वाले हिमाचल प्रदेश के दूसरे खिलाड़ी बने हैं रणजी ट्रॉफी के अंदर। और फ्रेंड्स, अब बात आती है यदि ऋषि धवन दूसरे हैं तो पहले कौन है? तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा विक्रमजीत मलिक के नाम जो है वो 300 से ज्यादा विकेट लेने का नाम दर्ज है और वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं हिमाचल प्रदेश से जिन्होंने 300 से ज्यादा विकेट लिए हैं। और ऋषि धवन ने जो है वो 300 से ज्यादा विकेट 80 मैच खेलने के बाद लिए हैं। और फ्रेंड्स, साथ में बताना चाहूंगा जो हमारे ऋषि धवन है उन्होंने 3 एक दिवसीय एंड 1 T20 मैच इंडिया के लिए भी खेला है और उन्होंने आईपीएल के 6 मुकाबले भी खेले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हाल ही में किस राज्य ने एसिड अटैक पीड़ितों को जो है 25 लाख का मुआवजा की राशि सौंपी है? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश ने जो है वो एसिड अटैक पीड़ितों को जो है वो 25 लाख का मुआवजा सौंपा है। और फ्रेंड्स, ये जो मुआवजा है वो प्रदेश के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड के फैसले के तहत जो है वो दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 30 दिसंबर 2019 को जो है वो इन पीड़ितों को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश जो है वो पारित किया था। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा, इस क्वेश्चंस को किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसको जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, खालिद जहांगीर को जो है वो जे एंड के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत जो है वो कहाँ पर हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान जयपुर के अंदर जो है वो 2020 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने जो है वो जयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत की है, जो कि आपको याद रखना है। फ्रेंड्स यदि आपसे पूछा जाए कि शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा संगीत लोढ़ा के द्वारा जो है वो इसकी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय लोक अदालत की। और इस क्वेश्चन को भी किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धन प्रकाश त्यागी का निधन हुआ, वो एक्चुअल में कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। धन प्रकाश त्यागी जो थे वो आरएसएस के साथ जुड़े थे और वरिष्ठ प्रचारक भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना ही याद रखना है इस आर्टिकल से। कुछ ये पीडीएफ है जो कि आप रीड आउट कर लीजिएगा। हमारी पीडीएफ जो है वो आप हमारे ग्रुप से भी ले सकते हो। यदि आपने अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। हमने फेसबुक, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जल्दी से उन लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ फाइल को आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, 10 फरवरी को जो है वो विश्व दलहन दिवस मनाया गया। एक्चुअल में इसे क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बेसिकली दालों के महत्व को बढ़ाने के लिए जो है वो इसे वर्ष 2016 को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था। और एक्चुअल में जो है वो दालों की इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही इस दिवस को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वो 10 फरवरी को जो है वो विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया था। तो फ्रेंड्स आप इतनी जानकारी से याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में जो है वो ऑस्कर का अवार्ड मिला है 2020 के अंदर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा पैरासाइट को जो है वो, और पैरासाइट फिल्म को जो है वो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर का अवार्ड मिला है। आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अब बात आती है कि अवार्ड कौन देता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और भी है, ब्रैड पिट को जो है फिल्म वंस अपॉन ए टाइम टाइम इन हॉलीवुड के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है और इस फिल्म ने प्रोडक्शन डिजाइन का खिताब भी अपने नाम किया है। फिल्म 1917 को जो है वो बेस्ट विजुअल इफेक्ट कैटेगरी के अवार्ड से नवाजा गया है ऑस्कर में। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है आप सबके लिए, हाल ही में किस टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करना है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल आरएसबी लेटेस्ट इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स आरएसबी लेटेस्ट इन्फो में आपको हिमाचल के साथ साथ ऑल इंडिया लेवल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहता है, कितनी फीस लगती है, उसकी डिटेल भी हम वीडियो के डेमो माध्यम से आप तक हर वैकेंसीज निकलने के बाद पहुंचाते रहते हैं। फ्रेंड्स हमें आप सबके सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। और आपके जितने भी आइडिया, आप जितने भी सुजेशंस हैं वीडियो से लेकर प्लीज जरूर कमेंट करें। हम अपनी आने वाली वीडियो में आपके हर सुजेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।